खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत नाम में होशाना टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन और सामईन को आपका खादिम आमिर इकबाल आपके मनपसंद प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुशामदीद कहता है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हर रोज ऐसे खादिम फराहम करता है कि हम उन खादिमों से उसके कलाम को सीख सकें ताकि हम हजारों बरकत हासिल कर सकें। आज हमारे दरमियान जो खुदावंद के खादिम मौजूद हैं उनका ताल्लुक शेखुपुरा से है और वो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में तदरीसी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनका नाम है नासिर परवेज साहब। नासिर परवेज साहब खुदावंद के बहुत अच्छे खादिम हैं और वो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में रहकर खुदावंद के खादिमों को तैयार करते हैं। हम नासिर परवेज साहब को अपने प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुशामदीद कहते हैं। सर आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं सर नासिर परवेज साहब से गुजारिश करूंगा कि आज वो मेरे लिए और हमारे सामईन के लिए जो खुदावंद ने उनको पैगाम दिया है वो हमारे साथ शेयर करें और खुदावंद के कलाम पाक की तिलावत जो है वो हमारे लिए करें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे आज आपने प्रोग्राम में मदऊ किया ताकि मैं आज खुदा का कलाम आपके साथ बाँट सकूँ। अरे मेरे साथ निकालिए किताब मुकदस में से रोमियो के नाम लिखा गया मुकदस पौलुस रसूल का खत उसका पहला बाब उसकी 16 आयत मैं आप सबके सामने तलावत करूंगा। किताब मुकदस में कुछ यूं मरकूम हैं, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। किताब मुकदस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। आइए मेरे अजीजों हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। ऐ कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप आपकी तारीफ तमजीद सताइश और बुजुर्गी करते हैं। आपके पाक नाम को मुबारक कहते हैं कि आप हर रोज हमें अपने कलाम को सीखने की तौफीक देते हैं। इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप मैं आपके खादिम नासिर परवेज को आपके पाक हाथों में दे देता हूँ। खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए और मेरे नाजरीन के लिए बरकत का बाइस ठहरे। खुदावंद आपका कलाम इन दिलों में जिन समातों से टकराए खुदावंद वो उनका होके रह जाए और बहुत सफल लाए। ऐ मसीहा आपके पाक नाम के वसीले से ये सब कुछ मांगता हूँ। आमीन। नाजरीन हमारे लिए ये बहुत सुनहरी मौका है कि आज खुदावंद के खादिम नासिर परवेज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज पढ़े गए मतन की रोशनी में हमें सिखाएं कि हमारे लिए खुदावंद का कलाम या खुदावंद का पैगाम क्या है। जी बहुत शुक्रिया सर। किताब मुकदस का ये जो हवाला तलावत किया गया है इसमें मुकदस पौलुस रसूल जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो किताब जो है वो दुनिया जहां की तमाम कुतब पर जो है वो फजीलत रखती है और वो किताब जो है वो अंजील मुकद्दस है। अंजील मुकद्दस रकम की गई लेकिन इससे पहले ये एक मैसेज की सूरत में थी, ये एक पैगाम था। जी अंजील दर हकीकत एक पैगाम है, एक जिंदा और जवेद पैगाम। ये एक ऐसा पैगाम है जिसने पूरी दुनिया पर सिर्फ अपनी कुदरत के वसीला से जो है वो गलबा हासिल किया है। ये बहुत ही बाबरकत जबरदस्त। तो हम जब हम अंजील के बारे में सोचते हैं तो या सुनते हैं तो जो पर्सनैलिटी हमारे सामने या हमारे माइंड में आती है वो मसीह खुदावंद की ज़ाते एकदस है। सो मसीह खुदावंद के बारे में बात करने से पहले मैं लफ्ज़ अंजील के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा और आपके तवस्सुल से आपके नाज़रीन को। तो जो लफ्ज़ अंजील है ये अंग्रेज़ी में इसको गोस्पल कहा जाता है जी, और ये अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब की जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो उसका जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था जी उसके अंदर ये जो लफ्ज़ अंजील है ये एक गुड स्टोरी के तौर पर जो है वो इसको पेश किया गया। ये एक तरह की अच्छी स्टोरी है, एक अच्छी कहानी है। लेकिन इसकी जो लैटिन रूट्स हैं उससे मुराद है एवेंजेलियम, एक अच्छी खुशखबरी। और फिर जब ये ग्रीक में हम इसको देखते हैं तो ये एवेंजेलियम जो है ये एवेंजेलियन में तब्दील हो जाता है। तो हर सूरत में जो है एक अच्छी खुशखबरी, अच्छी कहानी जो है हमारे सामने आती है। जी सो अंजील जो है इट्सेल्फ जो है एक अच्छी कहानी या अच्छी खुशखबरी है। और वो अच्छी खुशखबरी और अच्छी कहानी किसके बारे में है? वो मसीह खुदावंद के बारे में है।
यानी आप हमारे नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि दर हकीकत इंजील वो है जिसमें एक खुशी की खबर पाई जाए, जिसमें वो खबर हो कि आदमी सुन के बाग बाग हो जाए। जी बिल्कुल, और ये खुशखबरी जो है ये बहुत अजीम खुशखबरी है। मसीह खुदावन जो है वो पूरी दुनिया के वास्ते जो है निजात बनकर आए हैं। बिलाशुबा दुनिया में आना, दुनिया में रहना, दुनिया के लिए मसलूब होना और फिर दुनिया के लिए जिंदा होना, ये सारी चीजें जो है ये निजात के लिए थी। हालेलुया, बेशक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ताकि बनी नू इंसान जो है वो निजात पाए। सो आज सुबह हम जो है वो अंजील मुकद्दस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि अंजील मुकद्दस क्या है। और मुकद्दस पौलुस रसूल जब कह रहे हैं कि मैं इससे शर्माता नहीं हूं, तो इससे क्या मुराद है? पहले हिस्से में हम देखते हैं कि अंजील मुकद्दस है क्या, इसका मैसेज क्या है, और फिर हम देखेंगे कि मुकद्दस पौलुस रसूल का ये कहना कि मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं, इससे क्या मुराद है, वो क्या हमको समझाना चाह रहे हैं, वो क्या बयान करना चाह रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि अंजील मुकद्दस क्या है, इसका मैसेज क्या है, तो हमारे सामने एक चीज़ आती है, और वो ये है कि पूरी बाइबल मुकद्दस का और अंजील मुकद्दस का मरकजी पैगाम जो है वो मसीह खुदावंद की ज़ाते अकदस है। बाइबल मुकद्दस शुरू मसीह से होती है और ख़त्म मसीह पर होती है। बाइबल मुकद्दस का हर नबी, बाइबल मुकद्दस की हर किताब और बाइबल मुकद्दस का हर पैगाम मसीह की ज़ात के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखता है। कोई पैगाम भी मसीह के तसव्वुर के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। सो अंजील मुकद्दस पर जब हम नज़र करते हैं तो वो भी मसीह की ही कहानी है, और ये एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। मुख्तसर तौर पर हम ये कहते हैं, कह सकते हैं कि पदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक पूरी बाइबल मुकद्दस मसीह खुदावंद के मुतल्लिक है। जी बिल्कुल, ये मसीह खुदावंद की बात कर रही है, ये अंजील मसीह खुदावंद की गवाही दे रही है। सो अंजील को अगर हम एक जुमले में बयान करना चाहें तो वो ये है कि मसीह खुदावंद ने क्या कहा और मसीह खुदावंद ने क्या किया। जी ये दो बातें हैं खास, मसीह खुदावंद ने क्या कहा और मसीह खुदावंद ने क्या किया। यही अंजील है, यही अंजील है। अंजील मुकद्दस का पूरा पैगाम जो है इन्हीं दो चीज़ों पर, इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द घूमता हुआ हमें नज़र आता है। सो मसीह खुदावन ने जो कुछ भी कहा वो खुशखबरी के लिए था, और वो खुशखबरी क्या खुशखबरी थी? वो नजात की खुशखबरी थी। मसीह खुदावन जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने दुनिया पर यह वाज़े कर दिया कि मैं जिस बादशाही की खुशखबरी लेकर आया हूँ, वो उस बादशाही का पैगाम मुझे खुदा बाप की तरफ से मिला है, और उस बादशाही में वो जाएगा जो मसीह खुदावंद पर बतौर नजात दहिंदा ईमान लाएगा। सो मसीह खुदावंद जगह जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ मसीह खुदावंद ने एक खुशखबरी का ऐलान किया है, और वो मसीह खुदावंद का जो पैगाम था वो दरअसल नजात का पैगाम था, निजात का पैगाम था। मुख्तसर अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इंजील जो है वो ज़मीनी खुशखबरी नहीं बल्कि आसमानी खुशखबरी है। ये आसमान से आई है, इंसानों के लिए आई हुई ऐसी खुशखबरी है जिसमें रंज नहीं, जिसमें गम नहीं, बल्कि ये एक नहायत खुशी की खबर है। जी सर बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, ये आसमानी खुशखबरी है, और ये आसमानी खुशखबरी जो है ये जिस मौके पर आ रही है, वो मौका जो है वो बड़ा तारीखी मौका है। वो इस तरह से हम इसको देखते हैं, जब हम इसको कहते हैं ये गुड न्यूज़ है, एक गुड स्टोरी है, तो फिर गुड स्टोरी कब जो है वो नमूदार हो रही है? वो तब नमूदार हो रही है जब एक बैड स्टोरी जो है वो सालों पर, सदियों पर मुहित थी, और फिर उस बैड स्टोरी का एंड होना था, और फिर उस एंड के बाद जो है ये हकीकी खुशखबरी ने और ये नजात की खुशखबरी ने शुरू होना था। दरअसल आप इसको यूं भी बयान कर सकते हैं कि जब अंजील की खुशखबरी आई या अंजील की अच्छी स्टोरी आई, अंजील की अच्छी कहानी आई, तो फिर वो मसीह से पहले जो पीरियड था, सदियों पर मुहित पीरियड था, जो गुनाह का दौर था, जो बुतों की कुर्बानियों का दौर था, वो सारा दौर एंड हो गया, और फिर उसकी जगह मसीह की हकीकी खुशखबरी जो है वो ले ली, और यूं दुनिया ने जो है वो निजात का जो है वो तजर्बा किया, और वो निजात मसीह खुदावंद के मसलूब होने के वसीला से हम तक पहुंची। सो अंजील मुकद्दस जो है वो खुशखबरी है, जो खुशखबरी मसीह खुदावंद ने अपनी ज़मीनी खिदमत में जो है वो बहुत से लोगों को सुनाई। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि मसीह खुदावंद जब अपनी ज़मीनी खिदमत में थे तो उनका सामना जो है वो फकीह फरीसियों से हुआ, वो यहूदी रबियों से हुआ, और ये वो लोग थे जो मजहबी ठेकेदार थे, जिन्होंने लोगों का इस्तेहसाल किया हुआ था, जो गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को मजहब के नाम पर जो है उनका इस्तेहसाल कर रहे थे। जी सो मसीह खुदावंद जो है उनके नुमाइंदा बनकर जो है वो सामने आते हैं,
और फिर मसीह खुदावंद उनकी शफात करते हुए नजर आते हैं, उनके लिए बात करते हुए हमें नजर आते हैं। पूरी दुनिया उस वक्त जो है वो गुनाहों की तारीकी में थी, सो मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने कलाम के वसीला से और अपने काम के वसीला से, अपने मौजजात के वसीला से जो उन्होंने किए, वो सारा सारा कुछ जो है वो खुशखबरी के ज़िमन में ही आता है। खुशखबरी के ज़िमन में आता है, ये हमारे लिए बड़ी खुश अफजा बात है, हौसला अफजा बात है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक शफायती के तौर पर जो है वो मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील दरअसल हमारी शिफायत है कि किस तरह सदियों पर महीत जो अरसा है उस किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उस अरसे में हमें जो है वो इंजील सुनने के काबिल बनाया कि हम उसकी इंजील सुनकर उन तमाम गमों को, उन तमाम दुखों को जो इंसानों ने एक लंबे अरसे में सहे, उनको भूलकर जिंदा खुदा को मोहब्बत के ज़रिए से पहचान सकें। जी बिल्कुल, मुकद्दस पौलुस रसूल इसको बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक जो है वो खुदा की कुदरत है। सो ये एक कुदरत वाला कलाम है, ये एक कुदरत वाला पैगाम है। हालेलुया, बेशक एक ऐसा पैगाम है, जिंदा पैगाम है जिसको कभी जवाल नहीं आता। मसीह खुदावंद जब इस दुनिया से चले गए जिंदा होने के बाद जिस्मानी तौर पर, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है वो हमेशा जो है वो दुनिया में रही है और आज भी जो है वो दुनिया में मौजूद है। उनका अख्तियार, उनकी कुदरत, उनकी पावर, उनका उनका इस दुनिया पर जो है वो असर जो है वो आज भी मौजूद है। हम कह सकते हैं कि इंजील जो है वो सरापा कुदरत है। जी, फिर इसी वजह से जो है इंजील को कभी जवाल नहीं है, क्योंकि अंजील जिसकी बात करती है वो जिंदा है, उसकी कबर जो है वो आज भी बेशक है। इसलिए इस पैगाम को कभी जवाल नहीं है। तो जब हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल के इस आयत की तरफ जो उन्होंने अरशाद फरमाई है रोमियो की कलीसिया को, ये एक ऐसी कलीसिया थी जो गैर अकवाम से जो है वो मसीह खुदावंद में आई थी। जी, ये रोमियो की कलीसिया थी और रोम में आपको पता है कि वो सैकड़ों हजारों देवताओं की जो है वो प्रोसेस किया करते थे और उनके आगे जो है वो कुर्बानियां गुजराना करते थे। सो ये एक इस तरह की कलीसिया थी जो बहुत बुतों के तजर्बात से गुजर कर आई थी। सो मसीह खुदावंद का पैगाम जब मुकद्दस पौलुस इनको सुना रहे हैं, वो साथ उनको ये पावर करवा रहे हैं कि मैं अंजील से शर्माता नहीं हूँ। इस शर्माने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मतन में, वो उसकी एक तरह से मफहूम ये बनता है कि मैं अंजील से शर्मिंदा नहीं होता, यानी जाती तौर पर जो है मैं शर्मिंदा उससे नहीं होता। शर्मिंदा होने से मुराद है डिसऑनर होना, जी, जलील होना। जी, तो मसीह खुदावंद की खुशखबरी को सुनाते हुए वो कभी भी जो है वो जाती ह्यूमिलिएशन जो है बर्दाश्त नहीं करते, वो शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करते, वो महसूस नहीं करते शर्मिंदगी। सो इससे जो वो जो फिलॉसफी मुराद ले रहे हैं वो यही है कि जब मैं अंजील को सुनाता हूँ तो मैं उससे शर्मिंदा नहीं होता, यानी मेरा अंजील पर ईमान जो है वो कमजोर नहीं होता। याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज से शर्माते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म होता है। जी, हमारा जो इरादा है, हमारा जो एतमाद है वो खत्म होता है, एतमाद की इरादे की पुख्तगी खत्म होती है। तो वो कह रहा है मुकद्दस पौलुस रसूल कि जब मैं अंजील को सुनाता हूँ या जब मैं अंजील का पैगाम सुनाता हूँ तो मैं इससे शर्माता नहीं हूँ, यानी मैं कभी भी जो है वो किसी लम्हे भी जो है वो लग्जिश का शिकार नहीं होता, मेरे ईमान में कभी भी जो है वो कमजोरी वाकई नहीं होती, मेरा ईमान जो है हमेशा जो है वो पुख्ता रहता है। और उसका ईमान जो है वो मसीह खुदावंद की जो है मसलूबियत पर भी था और मसीह खुदावंद के जिंदा होने पर भी था, और ये दोनों चीजों की जो है वो अपनी पूरी जिंदगी मुनादी करता रहा है। वो कहता है कि अगर मसीह खुदावंद मसलूब नहीं हुआ, अगर मसीह खुदावंद जिंदा नहीं होना हुआ, तो फिर हमारा जो है ये सारा तबलीग का काम जो है वो फजूल है। लेकिन वो कहता है मसीह खुदावंद फिल हकीकत जो है मसलूब भी हुआ है और जिंदा भी हुआ है। उर्फ़ियाम में हम यूं कह सकते हैं कि जो कोई इंजील को डिसऑन करता है या इंजील से शर्माता है, वो इंजील की कुदरत का तजर्बा जो है वो उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। जब किसी को इंजील का तजर्बा जो है वो अपनी ज़िंदगी में हो जाता है तो वो कभी भी इंजील से शर्माता नहीं है, वो इसको डिसऑन नहीं करता, बल्कि वो इसको अपनाता है और दूसरों के साथ जो है वो इंजील के पैगाम को जो है वो शेयर करता है। शुक्रिया नासिर परवेज़ जी। तो नाज़रीन, सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए होशाना टेलीविज़न।